अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। जैसा कि ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट हो चुका है और काफ़ी लोगों ने बॉक्स भी लगा लिए हैं, और अब जो कि किसी के पास मेल कम है, किसी के पास फीमेल कम है, और किसी के पास फॉस्टिंग पेयर नहीं है, जो कि अगर आपके पास एक पेयर है जिसकी अमाउंट 1 लाख रुपये तक की होती है और आप उससे ब्रीड ज़्यादा कैसे लेते हैं, वो ब्रीड ज़्यादा लेने का तरीका ये होता है कि आप उसको फॉस्टिंग पेयर में फॉस्टिंग उसके जो एग हैं उसको आप फॉस्टिंग करेंगे, उसके बाद कुछ टाइम बाद वो दोबारा लिंक कर देंगे। तो फॉस्टिंग पेयर आपके सेटअप में बहुत ज़रूरी होता है, उसके बगैर आपका जो सेटअप है उसमें आप अच्छी ब्रीड नहीं ले सकते। तो मेरे पास इस टाइम पर अल्हम्दुलिल्लाह एक पूरा फॉस्टिंग का एक स्टॉक था, जो कि मेरे पास पिछले साल मैंने उनसे ब्रीड ली, और इस साल जो है माशाल्लाह उनके भी चिक्स निकले और काफ़ी सारे स्टॉक में फ्रेश बर्ड भी हैं, कॉमन लुटीनो ब्रीडर भी हैं और पट्ठे भी हैं। तो तीनों स्टॉक हैं, काफ़ी लोग जो के चाहते हैं कि रेडी टू ब्रीड जो है फॉस्टिंग पेयर मिल जाए या ब्रीडर मिल जाए, या ऐसा हो कि महीने दो महीने में मैच्योर हो जाए, ब्रीड के लिए रेडी हो जाए। तो ये सारे कैटेगरी के कॉमन लुटीनो बहुत जो कि बहुत ज़्यादा बेहतर रहता है फॉस्टिंग के लिए, क्योंकि उनका जो रोज़ी कोली का साइज़ है वो फिशरी फैमिली से बड़ा होता है, उनके लिए चिक्स पालना भी ईजी हो जाते हैं, जो कि पिछले साल मैंने रिज़ल्ट लिया बहुत ज़्यादा अच्छा आया। तो मैं आप लोगों को कुछ पेयर दिखाता हूँ, जिन भाई को चाहिए वो रब्ता कर सकते हैं, रेडी टू ब्रीड हैं और इसमें फ्रेश भी और ब्रीडर भी हैं। ठीक है, आई एम अप। जैसा कि आप देख रहे होंगे ये रेडी टू ब्रीड है, और ये अब मेरा जो बेसिक रीज़न क्या है इनको सेल करने का, रीज़न ये है कि मेरे पास इस टाइम पे जो जगह है वो फुल हो चुकी है और एक्स्ट्रा स्टॉक है। मेरा एक अपना एक एवरेज बनाया हुआ है, मेरे पास 40-50 पेयर होने चाहिए फॉस्टिंग के, अब उससे ज़्यादा माशाल्लाह क्वांटिटी हो गई है अपनी पेयरिंग होने के बाद एक्स्ट्रा, कुछ ब्रीडर पेयर भी मेरे पास माशाल्लाह जो है ज़्यादा ही हैं। तो आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह कलर साइज़ अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिटी बेहतरीन है। उसके बाद आप नीचे आ जाएंगे और ये भी है माशाल्लाह, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर आ जाएंगे, ये भी माशाल्लाह आप देख सकते हैं, और यहाँ पर आ जाएंगे तो ये तकरीबन के कलर आना शुरू हो गए, कुछ टाइम बाद ये भी 1-8 महीने में मैच्योर हो जाएंगे। तो मैच्योर भी हैं और फ्रेश में भी हैं, और फिर यहाँ पर आ जाए यहाँ पर भी हैं। अब ये आपको दिखा दिए जो कि रेडी टू ब्रीड, और यहाँ पे जो है अब मैं आपको दिखाता हूँ ब्रीडर। अब यहाँ पर आप आ जाएंगे, यहाँ पे जो कि ब्रीडर हैं इनके साथ एक क्रिमिन सॉरी एक डेकिनो टू अल्बाइनो का चिक्स है, ये भी ब्रीडर है। ये सारे वो बर्ड हैं जो कि मेरे पास पिछले राउंड में माशाल्लाह 12-12, 10-10 और का एवरेज दिया हुआ है। ये सारा ब्रीडर शौक है, पूरा सेक्शन जो है कॉमन लुटीनो का ब्रीडर का। अब इसमें आप देख सकते हैं इसमें एक चिक जो है पार ब्लू सॉरी ग्रीन ओपलैंड टेल फेलो का भी है माशाल्लाह, इसी ने ही पाला हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हैं लुटीनो फिशरी है, ये इस पर ओपलैंड है, ये सारे जो कि अब हमारी पेयरिंग शुरू हो गई यहाँ पे ग्रीन ओपलैंड का, अब हमारी पेयरिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। अभी हमने बॉक्स को नहीं लगा है क्योंकि हम जो है बॉक्स यहाँ पे देख सकते हैं, इसके साथ 3 चिक भी है, पार ब्लू है, 2 कॉमन लुटीनो के, यहाँ पे देख रहे हैं 2 ग्रीन ओपलैंड के चिक्स हैं यहाँ पे भी। एक बर्ड जो है वो केज से निकला हुआ है, इसको पकड़ना है, इसको वॉलेट पसनाटा का बर्ड है। इंशाल्लाह हमारे जो नेक्स्ट वर्किंग वो भी आपको दिखाऊंगा, वॉलेट के पसनाटा पार्बल पसनाटा ऑफलाइन पे हमने करी है, वो मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा कि क्या करें। तो यहाँ पे देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह इसके अलावा भी स्टॉक यहाँ पर भी है, देख सकते हैं ये ओपलाइन में, ये रोजी कोली ओपलाइन में, इनके साथ एक क्रिमिनो का चिक से एक ओपलाइन का है। अच्छा चिक जो है बहुत अच्छे पालते हैं, सर्वाइवल रेशू भी अच्छा है इनका। ये जितने भी 1 बाय 1 जो पेड़ लगे हुए ये सारे ब्रीडर हैं। इसके साथ फिलहाल अभी चिक भी है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैंने आपको फ्रेश पेयर भी दिखाएं और रेडी टू ब्रीड भी दिखाएं और ब्रीडर भी दिखाएं, ये 3 कैटेगरी के पेयर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक मेरे पास इस साल जो है कह सकते हैं माशाल्लाह बहुत भरपूर रिज़ल्ट आया ब्रीड का,
जो कि मेरा एक टारगेट था कि मेरे पास इतने केज मैंने एक्स्ट्रा बनाए थे, 100+ केज थे मेरे पास जो कि एक्स्ट्रा बनाए थे। माशाल्लाह बहुत स्टॉक मेरे पास जो है अल्हम्दुलिल्लाह आया है। तो अब मेरी कोशिश ये है कि फास्टिंग को थोड़ा कम कर कर म्यूटेशन के ऊपर हमने उसी केज में म्यूटेशन बढ़ डाल देंगे। तो जिसको भी चाहिए आप डायरेक्ट कॉल करिएगा, मैसेज का जवाब नहीं है, क्योंकि फास्टिंग उनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। देखें हमने भी इस पे ही काम करके जो कि ब्रीड ज़्यादा ली है, इन्हीं से ही हमने बहुत बच्चे माशाल्लाह पलवाए, क्योंकि जितना रेयर म्यूटेशन होती है इतना उसका ब्लड वीक होता है। और इसी तरीके से फास्टिंग कर करके चलें। आज माशाल्लाह हमारे पास जो कि अपनी एक माशाल्लाह म्यूटेशन की हमारी जो अपनी एक सेटिंग थी माशाल्लाह पूरी हो गई है। अब एक्स्ट्रा स्टॉक में माशाल्लाह बेहतरीन रिजल्ट लेने का। तो जिसको भी चाहिए रابطہ कर सकता है, डायरेक्ट कॉल करिएगा मैसेज पे, जो कि رابطہ नहीं हो पाएगा क्योंकि जवाब नहीं दे पाता। एक पेयर चाहिए एक पेयर भी मिल जाएगा, दो पेयर, पांच पेयर, दस पेयर, अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम पर तकरीबन अराउंड 50+ पेयर हैं। तो हर किसी को इस टाइम पर रेडी टू ब्रीड और ब्रीडर की बहुत चाहत होती है, क्योंकि फास्टिंग बहुत ज़रूरी है। तो मैं अपना नंबर भी आप लोगों को बता देता हूँ, 03007471234। तो मुझसे कॉल पर डायरेक्ट رابطہ कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो उसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।